होता है जंगल भाई। देखो देख वो देख भयंकर देख, अबे आ जा ओए भाई। यहाँ पर देख, यहाँ पर देखने से मिल रहा है यहाँ पर सांप की गुफा है भाई। अरे सांप की, अबे भयंकर देख, कांटे 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 कांटे, बच बच बच, ये कांटे कपड़े फाड़ देते हैं। ये दिखाना आया था तुम्हें? अबे भाई हाँ, ये दिखाना है, यही दिखाना आया था। इसमें पत्थर मार, पत्थर मार, पत्थर नहीं दिख, थोड़ा कांटे से बच के, पत्थर नहीं दिख रहा अबे साले। यहाँ पे बहुत टेढ़े पाड़े पेड़ पौधे हैं बहुत ज्यादा। भाई अब सुनो सुनो सुनो, अरे यार मेरे बाल खराब हो गए। ये देखो भाई, ये रास्ता जाते हैं बुड्ढी का, ये रास्ता जाता है जीवी रेडी का, जाते ही जाते हैं निमान तो। अरे जीवी रेडी का जाता है ब्रो। गाइस ये देखिए यहाँ पे गड्ढे गड्ढे नहीं, ना 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 ना, ये मुझे पता नहीं क्या लग रहा है। देखो गाइस ये देखो, ये है तुम्हारे गाड़ी के निशान, तो मतलब यहाँ से जाता है आगे रास्ता, वहाँ से भूत आ रहा है कुत्ते के साथ, भूत आ रहा है कुत्ते के साथ। मनदीप प्रो यहाँ पे बताएगा आज कि इस जंगल में होता क्या है। मान लो जैसे वो पीछे देखो, जूम तो नहीं हो रहा यार, कुछ नहीं है तो भी पगलन हो रहा है, छोड़ो नहीं हो रहा है गाइस। तो ये हमारे इधर झिवरेडी का जंगल है, पूरी जगह देख लो। ये क्या कर रहा है मैं समझ नहीं आ रहा है, जैसे पर्दा लग रहा है। रुको ऊपर से देखो भाई, पूरा जंगल साफ है, और इधर टावर के तो बहुत मुश्किल है, हम बहुत अंदर आ चुके हैं भाई गाइस। यहाँ पर एक बात बता दूँ आपको, ठीक है? तो यहाँ पर जाने से पहले देख लो कपड़े वैसे पहन के आना जो पुराने जमाने के पहनते थे, उस हिसाब के। अगर यहाँ पर तुम बाई चांस नए कपड़े पहन के आओगे तो तुम्हारा भाई यहाँ पर ये कांटों से बहुत गंदा हाल होने वाला है। देखो ये कांटे देखो, बहुत पहने कांटे देखो। अगर तुम देखोगे ये कांटे कपड़ों में फंस गए तो भाई तुम्हें यहाँ से नंगा जाना पड़ेगा उस रास्ते। ऐसा भी है कुछ? हाँ हाँ भाई, किसने बोला भाई? तुम्हें क्या बताऊँ भाई, यहाँ पर बेल और कांटे कांटे दिखाऊंगा ना तुम्हें। रुको, यहाँ पूरी जगह कांटे कांटे हैं, कोई घुसने का वो नहीं करता। देखो भाई पूरे देखो बंदर। कांटे और बंदर तो मेरे पीछे, मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि मेरे पीछे बिठाए, और जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आपको बांस मिलेंगी और ये सब चीजें मिलेंगी। तो गाइस यहाँ पे लोकेशन बेस्ट है शूटिंग के लिए, और आइए आप मेरे पीछे आते रहिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब हम आपको दिखाने वाले हैं आगे किस चीज का डेरा है, वो मुझे नहीं पता। डेरा है भाई यहाँ पे, डेरा तो आगे उस चीज का मिलेगा तुम्हें। जैसे मैं मान लो मैं तुम्हें घुमाने लेकर आया हूँ, तो यहाँ पर डेरा तुम्हें गुजरों का डेरा मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरे पीछे बांस है। इसका काम किस किस चीज के लिए होता है? बहुत चीज के लिए होता है, आप इमेजिन कर लीजिए। इसका पानी निकलता है, पानी ये पहली बार सुना मैंने, ये तो कुछ मैच नहीं हुआ। अरे इसका पानी बता कैसे निकलता है गाइस, रुको एक मिनट मैं बताता हूँ। यहाँ से कटता है, क्या करता है यहाँ से, और यहाँ से कट के फिर इसका यहाँ पे दो फाड़ होती है, दो फाड़ में से तो एक फाड़ होता है, वो पहाड़ों में काम आता है पानी पीने के, वो ऐसे करके पीते हैं। तुम्हें गाइस पता नहीं होगा इसलिए मैंने बता दिया तुम्हें गाइस। और ये पत्ते भी बहुत काम आते हैं वहाँ, इसके ना बहुत ज्यादा काम आते हैं पत्ते, ऐसे पत्ते पत्ती भी होती है, पर ये छोटी सी पत्ती है, थोड़ी मुरझाई पत्ती है। ये देखो ये मुरझाई पत्ती है थोड़ा, पर ये कभी काम नहीं है ये। अब अगर ये वहाँ पर होते ना तो गांववासी नलके नहीं लगाते आज, गांववासी इसका यूज करके। देखो गाइस जंगल में पानी, इधर के जंगल में ऐसे करके पीते, पर ये चाइनीज के लोग पीते हैं ऐसे मंदिर, ऐसा नहीं। ये गांव में लोग ऐसे लगाते। रुको गाइस अभी मैं बताता हूँ गाइस, यहाँ पर हम जाने वाले हैं इस पेड़ के आगे। जैसे मान लो पहाड़ है और ये पानी निकलेगा, देखो ये पहाड़ है और ऐसे में पानी निकालने के लिए गाइज ठीक रहता है, पूछड़ भी है इसमें। तो गाइज आज ये क्या है बे? ये किस काम आता दिखा गाइज, ये कांटा था पर हमने इसके समझ गए ना भाई, मार दी। तो गाइज यहाँ पे हम बांसी बांस में आ चुके हैं, गाइस ये देखो ये झाड़ू वैसे यहाँ के गुज्जर लोग ना ये झाड़ू बना के यूज करते हैं, ऐसे करते गाइस देखिए मैं दिखाने सामने। पर ये तो सिंगल से कुछ नहीं होगा, पर डबल ट्रिपल तो होना चाहिए मनदीप। जैसे ये झाड़ी है,
अब ये मान लेना हरा हुआ है जब कूड़ा कबाड़ा जैसा ऐसा झाड़ू बना के करते हो गाइस। एक चीज और दिखाऊंगा कितने भी नदी की तरह है और यहाँ पे इस साइड से भी नदी आ रही थी और ये उस साइड जा रही थी। बाकी हम अभी आगे वो देख रहे होंगे, आगे कुछ घर देख रहे होंगे आप वहाँ पे, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको अपने हाथ से। और यहाँ पे ये जंगल के बीच में रहते हैं और आइए हम इस साइड चलते हैं। ये नदी कहाँ पे मिलती है, कैसे मिलती है गाइस? अब मैंने कैमरा अपने हाथ में ले लिया है और मेरी जगह पे आ गए हैं सौरभ, वो आपको बताएंगे आगे का जैसा भी होता है क्या क्या चीजें आपको दिखाई देंगे, अभी वो सब वो बताएंगे। अब सुनिए उन्हीं के मुंह से गाइस, हम बताना चाहेंगे, हम कैमरा मैन हैं और मनदीप के कैमरा मैन हैं। और तो मनदीप मतलब हमें स्पीच करने के लिए यहाँ मतलब बताने के लिए बताया है कि क्या क्या चीज़ें, क्योंकि हम इस जगह के पुराने बंदे हैं, हमें पता है यहाँ से पूरा दिखाओगे तो पूरा यहाँ पर देखो यहाँ पर है वो ग्रीन कलर का दिखेगा बहुत, मतलब इतना मस्त है ग्रीन कलर का पुराल वगैरह। अगर यहाँ पर आप घर बनाना चाहोगे, यहाँ पर घर बनाना चाहोगे तो यहाँ पर आपको इतना बढ़िया बनेगा घर एक प्रकार, इस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने मस्त तरीके से डेकोरेशन। मान लो आपका घर यहाँ पर बन गया है, आपको मतलब यह बिजली लाइन तो वो तो करना पड़ेगा भाई, पैसा तो करना पड़ता है खर्च। और ये अगर मान लो आपने घर बना दिया तो यहाँ पर कितना मस्त है आपका नदी का किनारा है। जैसे हो हर आजकल बॉयस क्या चाहते हैं, बॉयस ये चाहते हैं हमारे अकेले में कोई घर हो और ऐसी जगह हो जहाँ पर मतलब सुनसान हो और एकदम पानी आता हो, पर यहाँ पर पानी की दिक्कत है, पानी नहीं आता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। अगर आप कभी मतलब ये ऐप बनाना चाहोगे तो मुझे बता दीजिए एक बार, इसमें यूट्यूब के नीचे कमेंट में लिख के बता देना कि तुम्हें बनाना है कि नहीं बनाना है मनदीप यूट्यूबर को। ठीक है, आ जाओ गाइस। अब यहाँ पर गाइस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, ये गाइस जो ये है यहाँ पर पहाड़, ये पहाड़ में लकड़ी नहीं आती है, यहाँ लकड़ी नहीं आती है। ये देख रहे हैं आप टहनियाँ, वो देखो सूखी टहनी, वो देखो सूखी टहनी। तो यहाँ पर ये पत्थर होते हैं ना गाइस, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कौन सा पत्थर गाइस, ऐसा पत्थर रहता है तो उसमें वाइट कलर की रस्सी बांधी जाती है गाइस, तो उसे फिर घुमाया जाता है गाइस और फिर उसे फेंका जाता है और फिर उससे ये रस्सी उसमें पलट के और इतनी बढ़िया बन जाती है गाइस। आओ गाइस मैं तुम्हें और कुछ दिखाना चाहूँगा गाइस। गाइस देख रहे हैं आप ये ऊंची ऊंची पहाड़ों से कभी कभार पानी आ जाता है, जैसे जंगल का पानी आ जाता है नीचे नीचे की तरफ। गाइस देखो यहाँ से एक रास्ता है, यहाँ से बहुत लोग जाते हैं उस पार की भी जंगल है, उस पार मतलब उसके उधर भी जंगल है, उसके बहुत अंदर जंगल ही जंगल है। आ जाओ गाइस, भाई जंगल में कहाँ जा रहे हो आप, अलाउड नहीं है वहाँ पे। अबे रुक जाना गाइस, यहाँ पे हमें सिंह दिख चुका है और हम भागने की कोशिश में है इस टाइम गाइस, पीछे से आ रहे हैं वो, तो भाग रहे हैं। मंदिर को छोड़ दिया, मंदिर को छोड़ दिया मैंने नीचे, मंदिर आ रहा है भागते 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 भाई, वापस जाते थे भाई, थक गए हम, मैं तो थक गया देख भाई, क्योंकि ये है वहाँ पर जंगल में बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे हमें सियार दिख चुका था और एक जगह से हाथी की आवाज आई थी और हमें हाथी की आवाज सुनाई दी थी जो कि इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी होगी, शायद आपको हम सुनाएंगे उसमें भी, और इसलिए शेर क्या अभी दिखो दिखो वहाँ पे बैठा क्या है वो गाय है क्या है वो बैठा हुआ था यार वहाँ पर, रुको गाइस मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा, रुको गाइस यहाँ पे कुछ बैठा हुआ है गाइस, ये देखो ये क्या चीज है,
रुको रुको रुको, देखे ना वो यार भाई भागना। रुको रुको, क्या चीज़ है, हमारा पागल बनते कि क्या है वो। अबे अभी तक होता बेटे वो आ जाता खाने, मैं देखना चाहूँगा है क्या ये। मेरी आंखें बहुत तेज है गाइस, कुछ था वो ब्लैक ब्लैक सा, ऐसा लग रहा है ना बड़ा बड़ा सा ये। देखो गाइस इसने हमें डरा। चलो ठीक है गाइस, चलते हैं, टाटा बाय बाय। और चलो बॉय।